सो इट्स पार्टी टाइम सेलिब्रेशन, और किस चीज़ का सेलिब्रेशन है वो भी आइए चेक करते हैं। इट्स मी साद अली खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके व्लॉग्स। और अगर हम निकल रहे हैं पार्टी के लिए, मेरे साथ मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स भी हैं, अभी इनसे आपको मिलवाता हूँ, पहले भी अंदर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। जगह बहुत खूबसूरत है, और हर बार हम पहाड़ों पर होते हैं, खेतों में होते हैं, नदियों में होते हैं, इस बार भी वहीं हैं। और मेरे साथ मेरे चार सब्सक्राइबर्स हैं, और वो चार पिलर्स हैं मेरे चैनल के, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया। बीच में थोड़ा डीमोटिवेट हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे फिर सपोर्ट किया कि ऐसे परेशान मत हो, सब हो जाएगा। और उसी का सिला है कि विद इन 2 मंथ आई एम हैविंग 1000 सब्सक्राइबर इन माई अकाउंट। सो आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, प्लीज़ उस तरह उस प्यार को बनाए रखिए। और मैं आपको चाहता हूँ कि उन चार जो मेरे स्तंभ हैं, पिलर, उनसे आपको मिलाऊं। आओ भाई, कहाँ हो? पहले जो है ये यूट्यूबर नहीं है, टिकटॉक स्टार है। मैं आपको मिलवाता हूँ, ये है मेरे साथ मेरे दोस्त फैदान, ये अभी टिकटॉक स्टार है, इसलिए अपने किसी फैन से बात कर रहे थे, जो इनसे कह रिक्वेस्ट करता प्लीज़ एक वीडियो और डालिए ना। देखिए, और इनकी आईडी यहाँ नीचे आ रही होगी, आप आराम से देख सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं, और ये ट्विटर लाइक करें एंड शेयर करें, शेयर भी करें इनकी वीडियोस को, ठीक है, ठीक है। और दूसरे स्टार जो है वो ना यूट्यूब पे ना ही टिकटॉक पे हैं, वो बिजनेसमैन है, इसलिए वो बिजनेस में लगे रहते हैं। मिस्टर सलमान खान, फिल्म एक्टर नहीं है, नाम सलमान है। हेलो, हाय फ्रेंड, माय नेम इज सलमान, और इस बेहतर फ्रेंड भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा, लाइक करा, शेयर करा, उन लोगों से सपोर्टिंग है कि आगे भी ऐसा अपना सपोर्ट बनाए रखें। 500 रुपये दिए मैंने ऐसे ये बोलने के। तीसरे जो आने वाले हैं वो बहुत ही कमाल हैं, धमाल हैं, माला माल हैं, और आइए मैं कैमरा घुमाऊंगी तो देखिए, हम शर्मा रहे हैं, बहुत शर्मीले हैं। ये आ गए मिस्टर आमिर खान, थोड़े चौड़े हो गए। देखिए ये और अभी चौथे, यू नो जैसे कि मूवी होती है ना, आप एक्टर को देखते हो, पिक्चराइजेशन देखते हो, सब कुछ देखते हो, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत होती है डायरेक्टर की, ठीक है ना। वो डायरेक्टर जिस तरह डायरेक्शन देता है, जिसकी वजह से फिल्म अच्छी और खूबसूरत बनती है, उसी तरह मेरे चैनल में आपने नाम देखा होगा, हमेशा लिखा हुआ एपिसोड 1, 2, 3, इससे पहले के एपिसोड में साद खान एसके व्लॉग्स, देन अमान खान, जिन्होंने मेरी वीडियो को खूबसूरत बनाया, और एडिटिंग की बहुत से लोगों ने तारीफ़ की कि यार आप डे बाय डे, वीडियो बाय वीडियो एडिटिंग और अच्छी होती जा रही है, और आई प्रॉमिस यू गाइस कि आगे भी इससे अच्छा काम मैं आपके लिए करूँगा, और जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। आइए मेरे व्लॉग में अमान खान। हेलो एवरीवन, ये नाम आपने मेरी वीडियो पे देखा है, अमान खान, पहले एसके व्लॉग साद खान, देन अमान खान आता है, और बहुत से लोग सोचते हैं यार कि अमान खान कौन है। बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली पूछा भी, यार अमान कौन है, ये अमान कौन है तुम, तो मैंने मुझे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अमान खान जो इनडोर सारा काम इनके हाथ में है, और उस वीडियो को कहाँ कैसे एडजस्ट करना है इन सब इनके हाथ में, आप इनसे मिलिए। केक 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 का कर लेते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को इनको भूख बहुत लग रही है, केक खिला दें पहले, नहीं थोड़ी देर इनका पेट शांत हो जाए। टूट पड़ो, केक हो चुका है,
लेकिन ये जो तीन शेर मेरे साथ खड़े हुए हैं, चौथा कमजोर है, ये तीन पिलर सिर्फ केक में नहीं मानेंगे, इन्हें डिनर भी चाहिए। तो अभी डिनर पार्टी के लिए हम लोग निकल रहे हैं, अभी रात होने वाली है, सो मिलते हैं डिनर पर। खाने की टेबल पर बाय। सब पार्टी टाइम में हमारे साथ नहीं थे क्योंकि कहीं और बिजी थे, और अभी हमें यहाँ ज्वाइन कर लिया इन्होंने डिनर टाइम पे। खैर देर आए लेकिन दुरुस्त आए, हमने इनको वहाँ बहुत मिस किया, और अभी हम खाने का वेट कर रहे हैं। बाकी लोग बाहर खड़े हुए हैं जो मेरे साथ थे, और क्योंकि आपको ये जगह थोड़ी अजीब से लग रही होगी क्योंकि एक इंटीरियर है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ रामपुर सिटी से, उसका एक इंटीरियर है सुआद, और यहाँ का चिकन फ्राई बहुत फेमस है। बेशक ये जगह छोटी है, दिखने में थोड़ी सी टाइडी से लग रही है, लेकिन ये बहुत शानदार है, फेमस है, बहुत बहुत दूर, आप यकीन नहीं करेंगे 200 किलोमीटर दूर और 300 किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ चिकन फ्राई खाने आते हैं जैसे हम आए हैं। और टेस्ट जो होता है वो किसी भी जगह का मोहताज नहीं होता है, टेस्ट के लिए आदमी बहुत बहुत दूर जाता है। बेशक हमारे शहर में बहुत अच्छे होटल्स हैं, बहुत अच्छे जगह हैं प्रेजेंटेशन की जहाँ बैठ के खाते हैं, लेकिन ये जगह बेशक दिखने में ख़राब लग रही है लेकिन यहाँ का चिकन फ्राई बहुत फेमस है। और अगर आप रामपुर से NH24 बाहर चल रहे हैं नैनीताल के लिए, जो भी लोग जाते हैं वो यहाँ रुक कर चिकन फ्राई ज़रूर खाते हैं। दिल्ली से नैनीताल जाने वाले लोग भी जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो यहाँ रुकते हैं, चिकन फ्राई यहाँ का ज़रूर खाते हैं। पास सेव है, लोग यहाँ फ़ोन कर देते हैं स्पेशली कि भाई हम नैनीताल से निकल चुके हैं, 3 घंटे में 2 घंटे में हम यहाँ पहुँच जाएंगे, प्लीज़ आप बंद मत कीजिएगा। तो ये कंडीशन है, क्यों मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। कई बार ऐसा हुआ कि इससे पहले मैं भी जैसे ऊपर हिल्स पे गया हूँ नैनीताल पे, तो मेरे साथ के लोग थे जो बाहर से बिलोंग करते थे, उन लोग को ये पता था यार तुमने मुल्ला जी का चिकन तो खाया है ना, हाँ हाँ यार फ़ोन कर दो अभी हम वहीं खाते हो जाएंगे, जाएंगे दुकान बंद करने के लिए। तो ये लोगों के स्पेशली रुकते हैं, और इसलिए दिन ब दिन तरक्की है, लेकिन क्योंकि यही इनकी पहचान है इसलिए इन्होंने इसको अपग्रेड नहीं किया है। तो जगह पर मत जाइए, टेस्ट अब आप लोग वहाँ रहकर टेस्ट नहीं कर सकते, तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है कि अगर आप कभी इस रोड से जाएं और आप वेजिटेरियन नहीं हैं, नॉनवेज खा सकते हैं, तो प्लीज़ यहाँ रुकिए एक बार यहाँ का चिकन। जो रेसिपी है ना, रेसिपी वो कुछ अलग है, इनसे कई बार पूछा यार बताओ कैसे लगाते क्या हो चिकन फ्राई, हमारे यहाँ भी बनता है वो ही नहीं बताते। आई थिंक ये हैदराबाद या कहीं और उससे पहले थे जहाँ ये काम करते थे, वहीं की रेसिपी इनके पास है, तो जो इनका फ्लेवर है जो ये टेस्ट देते हैं चिकन फ्राई में वो नहीं होता। बाकी आप 10 जगह का चिकन फ्राई खाएंगे सबका एक सा है, लेकिन यहाँ का बिल्कुल अलग है। तो आपको खाने के बाद लगेगा कि हाँ यार ये वीडियो में गलत नहीं कहा गया है, सही कहा गया है। और जब आप ये जगह आओ कभी चिकन फ्राई यहाँ का खाओ, तो उसके बाद दोबारा मेरे ब्लॉग में जाना है, इसके ब्लॉग साद खान, और जाके कमेंट जरूर करना मेरी इस वीडियो पे जो मेरी सब्सक्राइबर वाली पार्टी सेलिब्रेशन के, हाँ यार आपने सही कहा था चिकन फ्राई वाकई डिफरेंट है। सो प्लीज़ कम हेयर एंड एंजॉय योर फूड, बाय। आज के दिन का जो मोटो था गेट टुगेदर का, सेलिब्रेशन का, हमारे 1K सब्सक्राइबर का, इट वॉज फैंटेस्टिक, आउटस्टैंडिंग, हमने बहुत सारे मज़े किए, क्यों मैं एंजॉय किया बहुत ज़्यादा और केक भी अच्छे से खाया और यहाँ चिकन भी अच्छे से खाया, और मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट व्लॉग पर। सो जब तक के लिए गाइस कीप इन टच, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ये बात वैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, प्लीज़ नेवर माइंड, बोलना पड़ता है, ठीक है। सो
बाय, गुड नाइट।